हेलो दोस्तों, आज हम आपको राजकुमार कोहली सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। राजकुमार कोहली ने 1972 में आई मूवी गोरा और काला से अपने प्रोड्यूसर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के डायरेक्टर नरेश कुमार थे। इस मूवी का बजट 1,10,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,20,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,40,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1973 में राजकुमार कोहली की मूवी आई कहानी हम सब की। इस मूवी के लीड कास्ट में ललिता पवार और आला सेना शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1976 में राजकुमार कोहली की मूवी आई नागिन। इस मूवी का बजट 1,60,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। 1979 में राजकुमार कोहली की मूवी आई जानी दुश्मन। इस मूवी का बजट 1,30,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 9,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल इनकी एक और मूवी आई मुकाबला। इस मूवी का बजट 1,20,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,45,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,90,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1982 में राजकुमार कोहली की मूवी आई बदले की आग। इस मूवी का बजट 2,25,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,60,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1983 में राजकुमार कोहली की मूवी आई नौकर बीवी का। इस मूवी का बजट 2,05,00,000 रहा। भारत में कमाई 4,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1984 में राजकुमार कोहली की मूवी आई राज तिलक। इस मूवी का बजट 3,50,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8,50,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल इनकी एक और मूवी आई जीने नहीं दूंगा। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,50,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1987 में राजकुमार कोहली की मूवी आई इंसानियत का दुश्मन। इस मूवी का बजट 1,75,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,98,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1988 में राजकुमार कोहली की मूवी आई इंतकाम। इस मूवी का बजट 2,10,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,20,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी एक और मूवी आई साजिश। इस मूवी का बजट 2,30,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,60,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल इनकी 13वीं मूवी आई 20 साल बाद। इस मूवी का बजट 1,28,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,82,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,30,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1990 में राजकुमार कोहली की मूवी आई पति पत्नी और तवायफ। इस फिल्म के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, फरानाज, सुमिता, ओम प्रकाश शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1992 में राजकुमार कोहली की मूवी आई विरोधी। इस मूवी का बजट 3,80,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,07,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,20,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1993 में राजकुमार कोहली की मूवी आई औलाद के दुश्मन। इस मूवी का बजट 2,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,00,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1997 में राजकुमार कोहली की मूवी आई कहर। इस मूवी का बजट 4,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 10,61,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,73,00,000 कमाई।
इसके साथ यह मूवी बिलो एवरेज रही। 2002 में राजकुमार कोहली की मूवी आई जानी दुश्मन। इस मूवी का बजट 18 करोड़ रहा। भारत में कमाई 17 करोड़ 89 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 18 करोड़ 56 लाख कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों, आपको राजकुमार कोहली सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। दोस्तों, थैंक यू।